हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम ज़िपमर के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे कि थोड़ा डिटेल्स में करेंगे कि कितने क्वेश्चन रहते हैं, कब है एग्ज़ाम, कितने मार्क के होते हैं और ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने कितने क्वेश्चन के कितने सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब बात करेंगे। टोटल सीट कितना है उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट ईयर के कट ऑफ के भी थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे। तो यार पहले बात करते हैं कि इस साल ज़िपमर जो कि 3 जून को होने ही हैं, ठीक है, संडे है पहली बार। दूसरी बात कि क्वेश्चन इसके 200 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, मतलब कि सारा सारा आपको ऑप्शन मिलेंगी, ठीक है, ये तो हो गई 200 क्वेश्चन हो गए। तीसरी बात, यहाँ पर हर करेक्ट क्वेश्चन मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क आपको दिए जाएंगे, ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट के लिए, ठीक है, और हर रॉन्ग के लिए मतलब कि अगर क्वेश्चन आपका गलत हो गया, मतलब आंसर गलत हो गया, तो आपको -1 नहीं मतलब कि सिंपली निगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 1/4 मार्क आपकी रिड्यूस हो जाएंगी करेक्ट से, ठीक है, या सिंपली निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। करेक्ट के लिए मिलेगा आपको 4 मार्क और रॉन्ग के लिए आपको -1 आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क ये 800 मार्क का एग्जाम है, मतलब क्या है, नीट से 80 मार्क ज़्यादा है किससे, नीट से, ठीक है। 800 मार्क का कुछ एग्ज़ाम होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है सेम नीट की तरह 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और इस 3 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब टोटल PCB मिला के 180 क्वेश्चन होंगे। फिर लॉजिक एंड इंग्लिश, ठीक है, एक लॉजिक पार होता है और एक इंग्लिश पार होता है, उसके 10 क्वेश्चन मिला क्वेश्चन आते हैं और टोटल 20 क्वेश्चन मतलब कि 200 क्वेश्चन आपके आते हैं ज़िपमर में, ठीक है। फिर से मैं और इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा और डिटेल्स में बता देता हूँ कि फिजिक्स के आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री मिलेंगे को 60 क्वेश्चन, बायो को मिलेंगे को 60 क्वेश्चन, मतलब कि इसमें बायोलॉजी में कोई स्पेसिफिक नहीं बताएगा कि बोटनी से 30 या जूलॉजी से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया था, मतलब कि उसके अभाव नहीं लिखा है। तो मतलब कि यार जूलॉजी एंड बोटनी दोनों मिला के 60 है, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बोटनी का 30 होगा या जूलॉजी का 30 होगा या 20-30, ऐसा कुछ भी वहाँ मेंशन नहीं था, तो 60 क्वेश्चन बायोलॉजी में कहा था, ठीक है। और लॉजिक जो कि मतलब कि यार आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा यार, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जाम में मान लीजिए कि यार अगर हमारे पास एक इंसान अगर 10 मीटर इधर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है और थोड़ा सा वेस्ट लेता है फिर नॉर्थ लेता है, तो आप फाइनली उसका कहाँ पर होगा, ऐसा कुछ, और यह ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है या आपका पी और क्यू आपका, अगर हमारे हमने मान लीजिए हमने ले लिया ए बी सी डी है, ऐसा तीन हमारा कोई जगह है, यहाँ पर हमने बताया कि यार ए हमारा बी के बगल में है और सी जो होता है वो डी के बगल में है, ऐसे मिला के क्वेश्चन आता है, तो यार इसके नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो क्या हो सकते हैं, तो ऐसा ही लॉजिक सा क्वेश्चन आता है, वहाँ पर लॉजिक लगा के मतलब कि काफ़ी ईजी है। और उसके फिर शायद हम वीडियो भी और एक ज़रूर बनाए, ज़िपमर के लॉजिक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की, उसको लेके हम एक वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। और इंग्लिश में आपका कैसा क्वेश्चन और एक 10 क्वेश्चन आ गया इंग्लिश में, ठीक है। तो यार इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आता है यार, बताइए इसकी ऑपोजिट वॉट क्या हो सकती है, ठीक है, या आपकी इसकी मीनिंग और एक मीनिंग क्या हो सकती है, एक लाइन एक वर्ड देगा उसका मीनिंग क्या हो सकती है। और कभी कभी आपका यह आता है कि बताइए इसका सर कौन सा मतलब कि सेंटेंस राइम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन आता है। या कभी भी बताइए इसमें से कौन सा नाउन है, ठीक है, कौन सा आपका वर्ब है, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पर आया हुआ है ज़िपमर में इंग्लिश में, ठीक है। तो उसका 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ गए, टोटल 200 क्वेश्चन, ठीक है, ये तो होगी क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सीट के बारे में, ठीक है। सीट यार ज़िपमर 2 कैंपस है, एक है पौंडीचेरी दूसरा केरल में, ठीक है। पौंडीचेरी में है उसका मेन कैंपस है और उनमें इनका 150 सीट है और केरल में आपके 50 सीट है, ठीक है, टोटल आपका 200 सीट है। और ये यहाँ पर उनके स्टेट मतलब कि पौंडीचेरी के स्टेट के लिए भी यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर लिख देता थोड़ा सा कि स्टेट रिजर्व है, ठीक है, और उनका स्टेट
कोटा भी है वहाँ पर, ठीक है, और पॉन्डिचेरी एंड केरल मिला के आपका 200 सीट वहाँ पर होता है, ठीक है। और इसमें कि कहीं बहुत सारे यहाँ के कोटा है, मतलब कि यार उनके पॉन्डिचेरी के एससी के लिए अलग, जनरल के लिए, उनके ओबीसी के लिए, उनके एससी के लिए, उनके एसटी के लिए अलग से सीट रिजर्व है। फिर आपको मतलब कि यार बाहर के बच्चे को वह सीट मिलेगा, ठीक है। और एक तो यहाँ पर NREV का ऑप्शन भी है यहाँ पर, ठीक है, उनका है। और अगर हम तो सीट ये है, और बहुत मतलब कि यार अपनी सीट बहुत कम है, तो यार क्वेश्चन पेपर इतना टफ हो ना हो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यार सीट बहुत कम है उनकी। और अब बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। और यहाँ पर हमने 2017 का कट ऑफ लिया है जीपमार का, जो जीपमार का 2017 का कट ऑफ था, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से 161 आपका जनरल का कट ऑफ था, ठीक है, और ये आपका ओबीसी का कट ऑफ था 153। और यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज था आपका 50%, ठीक है, और इन सभी का ओबीसी एसटी एसटी के लिए यह परसेंटाइल, और यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के लिए परसेंटेज था आपका 40%, ठीक है। और हम कट ऑफ मार्क ये जो है 161 आपके जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 153, एससी के लिए 142 एंड एसटी के लिए 123। और ये जो कट ऑफ है ये आपके ऑल इंडिया कट ऑफ है, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ है, मतलब कि यार उनका पॉन्डिचेरी के लिए का कट ऑफ नहीं है, उनका सूरा अलग है, वो मुझे नहीं मिला। पर ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहाँ पर काफ़ी मतलब कि काफ़ी ईयर का कट ऑफ वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यार तीन कट ऑफ आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, जनरल ओबीसी एसटी के लिए और ये ऑल इंडिया पे है, ठीक है। तो यार यही थोड़ा सा क्विक मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो जीपमार्क के लिए आपको रिक्वायर्ड है वही मैंने प्रोवाइड किया है, कर दिया है। और एक बार एक थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर दे देता हूँ कि 21 मई को 2018 को इनकी जीपमार्क की एडमिट आपकी इशू हो जाएगी, मतलब कि यार ऑनलाइन आपको जीपमार्क 2018 की जो एडमिट है वो 21 मई को आपको मिल जाएगी, ठीक है, जीपमार्क की। तो यार ये थोड़ा सा क्विक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने दी हमने जीपमार्क की 2018 में, ठीक है। फिर से बस शुरू से हम बता देते हैं कि यार 2018 को है, 2018 जीपमार्क वाला, कि 3 जून को आपका एग्ज़ाम है, 200 क्वेश्चन एमसीक्यू सारे मिलेंगे, सारा मार्क हर करेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर के लिए, -1 हर रॉन्ग के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क आपको 800 मार्क का एग्ज़ाम होता है, और ड्यूरेशन हुई 3 घंटे का ड्यूरेशन, ठीक है। पीसीबी आपका 60 क्वेश्चन आता है, और लॉजिक और इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यार मैं बार बताना चाहूँगा कि फिजिक्स जो क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, वो मॉडरेट होता है, ठीक है, ना कि इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, इट्स मॉडरेट, मतलब कि यार जो बच्चे थोड़ा सा मतलब कि यार ठीक ठाक कर लेना वो कर जाएगा, मतलब कि यार उनको यार एनसीईआरटी भी आता है ना, तो तब भी और फिजिक्स में अच्छा मार्क स्कोर कर सकते, ठीक है। फिजिक्स का पेपर मॉडरेट रहता है, केमिस्ट्री बहुत इजी, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ईजी रहता है, ठीक है। और बायो आपका ठीक है, बायो भी मॉडरेट, जो एनसीईआरटी बेस्ड बहुत मतलब कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ लाइन रहता है बायो में, ठीक है। तो यार बायो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्या कहे, तो थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं आप, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत बड़ी दो बुक है यार, हर लाइन आपको याद रखना, थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने मॉडरेट ही बोल लिया, बायो मॉडरेट, ठीक है। ये तो ये मैं भूल गया था बताना कि यार पेपर कैसा रहता है, तो यार ऐसा रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। और लॉजिक और इंग्लिश, इंग्लिश का मैंने बोल लिया, लॉजिक का क्वेश्चन कैसा रहता है, इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यार टोटल सीट 150 और 50 मिला के 200 सीट ओके, टोटल सीट है जीपमार्क के लिए, ठीक है। और बस देर रिजर्वेशन भी है, तो यार कट ऑफ की मैंने बोल दी 70 में कि 161 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 153, एससी के लिए 142 एंड एसटी के लिए 123 आपका कट ऑफ था। ये कट ऑफ ऑल इंडिया का था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया का था, ठीक है, ना कि उनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ नहीं थी, ठीक है। और ये जो एडमिट है आपको 21 मई को आपको इनकी जिपमार्क की एडमिट आपको मिल जाएगी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। तो गाइस आज हम एक छोटा सा यही वीडियो लाए थे क्विक,
और जैसे कि मैंने बोला कि यार लॉजिक जिपमर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके लॉजिक एंड इंग्लिश के जो आंसर है उसके हम वीडियो हम कल या परसों तक अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।